नमस्कार साथियों, तो चलिए आज हम देखते हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान। ये लगभग लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है सेविंग की क्रिया है, तो इसका आंसर है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। दूसरा है डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है, तो इसका आंसर है सब डायरेक्टरी। तीसरा है CAD का तात्पर्य है, तो इसका आंसर है कंप्यूटर एडिड डिजाइन। चौथा है अपना ओरेकल है, तो इसका आंसर है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। अपना पांचवा है असेंबलर का कार्य है, तो इसका आंसर है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। छठवां है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, तो इसका आंसर है सीवेन। सातवां है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में दो विद्युतीय कड़ियां हैं, तो इसका आंसर है मेस। आठवां है वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, इसका आंसर है टर्मिनल। नोवा है अपना क्वेश्चन विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, तो इसका आंसर है अरपानेट। दसवा है लिनक्स एक उदाहरण है, तो इसका आंसर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ग्यारहवा है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रिबूटिंग। बारहवा है अपना सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसका आंसर है डिबगिंग। 13वां है CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। 14वां है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं तो इनपुट। 15वां है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। 16वां है ALU का पूरा नाम है, तो इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। 17वां है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, तो इसे CPU कहते हैं। अपना 18वां है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना करता है, तो इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट। 19 है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे कहा जाता है माइक्रोचिप चिप। 20वां है ALU परिचालन संपन्न करता है, तो अरिथमेटिक। 21 है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इसे कहते हैं प्रोसेसर। 22वां है अपना क्राई क्या है, सुपर कंप्यूटर है। 23वां है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है, तो इसका आंसर है तृतीय श्रेणी। अपना 24वां है वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, उसे कहते हैं PDA। 25वां है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। 26वां है पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है, तो माउस को कहा जाता है। 27वां है ट्रैक बॉल उदाहरण है, तो पॉइंटिंग डिवाइस का। 28वां है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटेड आउटपुट। 29 है अपना सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका आंसर है इंस्टॉलेशन। 30वां है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो रैम। 31वां है DVD उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। 32वां है CDRW का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रिट्रीवरी टेबल। 33वां है सूचना है एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है, तो डाटा बेस। 34वां है अपना कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, UPS।
अपना 35वां है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो इसका आंसर है सिस्टम बस। 36वां पृथंग गणना यंत्र है अबेकस। 37वां कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है, तो इसका आंसर है अर्थ नेटिकेशन। 38वां मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मॉडेम। 39वां पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग। अपना अपना 40 है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो इसका आंसर है टेक्स्ट एडिटर की। 41वां है कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। 42वां है वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का। 45वां है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, मशीन लैंग्वेज को। 44वां है अपना एक्सेल स्प्रेड शीट का एक एक्सटेंशन है, तो इसका आंसर है डॉट XLSX। चलिए 45वां है फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। 46 है एक्सेल वर्क बुक संग्रह है वर्कशीट का। 47वां है अपना ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं, उपयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। 48वां है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे से है, तो इसका आंसर है डिजाइन से। 49वां है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, सिद्धार्थ। 50वां है अपना कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है, मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है, तो इसका आंसर है सोर्स कोड। 51वां है सी बेसिक कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। 52वां है ASCII का पूर्ण रूप है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 53वां है कंप्यूटर का पिता मह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अब देखते हैं 54वां सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। 55वां है कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। 56वां है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। 57वां है अपना इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, तो JSKV ने। 58वां है अपना इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है, सिलिकॉन की। 59वां है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड। 60वां है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं, बिट में। 61वां है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। 62वां है MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो GUI। 63वां है वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, तो गेटवे। 64वां है कंप्यूटर में कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं, नंबर्स। 65वां है निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, तो रोम। 66वां है 1 बाइट का कलेक्शन है 8 बिट्स। 67वां है सीडी रोम किसका उदाहरण है, तो इनपुट डिवाइस का। 68वां है कंपाइलर है तो स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव कोड में अनुवादक। अब 69वां है वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, रैम की। 70वां है अपना जावा उदाहरण है उच्च स्तरीय भाषा का। 71वां है वह हार्डवेयर डिवाइस जिस आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, वह है सीपीयू। 72वां है जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेश पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। 73वां है वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, बार कोड कहा जाता है, बार कोड रीडर। चलिए 74 देखते हैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो इसका आंसर है अनुदेशों का एक ऐसा सेट
जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। 75वां है बे टर्मिनल्स, जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे, तथा कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेल। 76वां है वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा बम्प, इसका अंतर कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। 77 देख लेते हैं, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं, तो इनपुट की। 78वां है वे कंपोनेंट्स, जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं, वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट। 79 है सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम। 80वां है दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल प्लस पी। 81 है बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक, प्रत्येक विशेष करेक्टर बना होता है, तो 8 बिट्स के योग से। 82 देखते हैं वेब ग्राफिकल तस्वीरें, जो फाइल फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, कहलाती हैं आइकॉन्स। 85 देखते हैं अपनी लागत और आकार के कारण एक कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल है, सुपर कंप्यूटर। 84 है रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 85 है विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेस लाइट प्रोग्राम को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। 86 है इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर। 87 है कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन में सबसे विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। 88 है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। 89 है ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है, उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। 90 वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डॉक्यूमेंट्स। 91वां है ऐसे डिवाइस जो केवल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जुड़ते हैं, इसे कहा जाता है वायरलेस। 92वां है मेन्यू भाग होते हैं स्टेटस बार का। 93वां है वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं ब्राउजर। 94वां है एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट को आप खुला रख सकते हैं, तो इसका आंसर इतने अधिक जितने कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। 95वां देखते हैं GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 96वां है वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाता है तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, हाइपरलिंक। 97वां है CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 98वां है कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होती ऑपरेटिंग प्रणाली। 99वां है रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है, रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। अब 100वां देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, तो पेंटर्स। 101वां देख ले पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, 4। 102वां एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर। 103वां देख लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, नेटवर्क कहलाता है। 104वां है डम्ब टर्मिनल क्या है, तो सेंट्रल कंप्यूटर। 105वां इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्क का बड़ा नेटवर्क। 106वां है बैकअप क्या है, तो यह सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी प्रतिलिपि। 107वां है वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंग टाइपिंग कैपिटल अक्षरों का या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, तो इसे कहते हैं ऑटो करेक्ट।
108वां स्टोरेज डिवाइस वो है जो पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो रूट डायरेक्टरी। 109वां है वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई कहलाती है, यूजर फ्रेंडली। 110वां है वेब विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं, तो सर्च इंजन कहलाते हैं। 111वां है वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और तुरंत तरीका है, तो फाइंड कमांड का उपयोग करना। 112वां देख लेते हैं, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं डाउनलोडिंग। 115वां है वोसर पोस्टर न्यूज लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, तो इसका है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। 114वां है चैट क्या है, टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। 115वां है अरिथमेटिक ऑपरेशन में जमा घटाना गुणा और भाग शामिल है। 116वां है स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, तो पावर पॉइंट। 117वां है जंक ईमेल का अन्य नाम है स्पैम। 18वां है ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है, इंटरनेट पर बिजनेस करना। 19वां देखते हैं, 119 वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है, एडिटिंग। 120वां आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है, तो रिकॉर्ड। 121वां देखते हैं अपनी स्थिति से हिलाए ना जाने जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है, फिक्स्ड मॉडेम। 122वां देख लेते हैं किस डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, कैरेक्टर सेट। 123वां है अब ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, एड्रेस बुक। 124 है मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है, फोन लाइन। 125वां कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है, किलोबाइट। 126 डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। 127 है अपना प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, आउटपुट। 128 है सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। 129 है प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं, एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर। 130वां है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। 131 माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, चतुर्थ पीढ़ी का। 132वां कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। 133वां चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड। 134 है एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट। 135वां इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। 136वां है वर्क सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। 137वां है विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जुड़ता है, MIDI। 138 पास्कल है कंप्यूटर की एक भाषा। 137 से प्रोग्राम है तो विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है, तो फोर्टॉन। 140वां है वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, रिजर्व्ड वर्ड्स। 141 से प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है फोर्टॉन। 142वां है वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्राम 145वां देखते हैं प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्टून है, ऐसे देख लिया है। 144 किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है, फ्लो चार्ट। 145वां कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी होती है, विज्ञान। 146वां कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, तो व्यवसायिक कार्य। 147 है मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड। 148वां है मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है जावा। 149 है इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा।
150 है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग लाई जाती है वेब सर्वर्स में। चलिए 151 देखते हैं, किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 152 है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, निम्न स्तरीय है। 153 में कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, सिस्टम। 154 है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, एप्लीकेशन। 155 है स्पीड शीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रोइंटर सेट करते हैं उसे क्या कहते हैं, सेल। 156 है टेक बॉल किसका उदाहरण, पॉइंटिंग डिवाइस। 157 है यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है इसमें वायरस है। 158 है कमांडों की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं मीनू कहलाती हैं। 159 है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं, रिसाइकलिंग में, किल में। 160 है ईडीपी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। 161 है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर। 162 है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, चतुर्थ। 163 है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है, तो 12। 164 है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं बार कोड। 165 है किस प्रिंटर द्वारा स्टॉक से अक्षर प्रिंट होते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 166 है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, प्राइमरी। 167 है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो फ्लैश। 167 है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है, फॉर्मेटिंग। 169 है रैम वोलाटाइल मेमोरी क्या है, तो डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। 170 है प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, तो इसे कहते हैं फर्मवेयर। 171 है भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है मशीनी भाषा। 172 स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट है। 173 आठ लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है, वाइट। 174 अपना प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं, वैक्यूम ट्यूब। 175 कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। 176 गूगल क्या है, तो सर्च इंजन है। 177 देखते हैं आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, द्वि आधारी अंक पद्धति। 178 अरेट नेट क्या है, तो एक कंप्यूटर नेटवर्क है। 179 देखते हैं नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एन। 180 परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस। 181 एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है, एक्सेल। अगला 182 ओपन पेंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर। 183 है स्पीड शीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल। 184 देखते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉस, DOS। 185 टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पर। 186 कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं कर्सर। 187 जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम, ये देख लिया। 188 URL क्या होता है, तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। 189 फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है, तो ईमेल। 190 अपना शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करता है, तो .edu।
191 है ई कॉमर्स क्या है, तो इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय। 192 अपने इंटरनेट से संबंधित FTP का शब्द का मतलब है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 193 भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो 15 अगस्त 1995। 194 भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है, तो सिक्किम। 195 अपना MICR में सी का पूरा नाम क्या है, तो कैरेक्टर। 196 अपना OCR पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 197 कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट्स बनता है, तो इसका 1024। 198 बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2। 199 ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, तो 256 अपना। 200 वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, तो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।